हेलो फ्रेंड्स, रणवीर बात कर रहा हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोहिनूर प्रिडिक्शन में। इस वीडियो में बात करेंगे पीएसएल 2020 से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। वेन्यू स्टेट्स क्या कर रही है, विनर परसेंटेज क्या है, कौन सी टीम पंटर टीम हो सकती है, कौन सी टीम बुकी की टीम हो सकती है, और कैसे पैसे कमाए इस पीएसएल 2020 में। आप सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, +9174285257667। यही हमारा कॉलिंग नंबर भी है। अगर आप मैच में पैसा लगाते हैं, बेटिंग करते हैं, हु विल विन जानना चाहते हैं, सेशन खेलते, तो आप बिंदास इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। और पीएसएल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल कर लीजिएगा। कोहिनूर प्रिडिक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हफ्ते में 4 से 5 मैचेस यहाँ पे ओपन आते हैं और रनिंग मैच में सेशन के अपडेट्स भी फ्री में दिए जाते हैं। इस पीएसएल 2020 टोटल 34 मैच खेले जाने हैं, जिसका स्टार्टिंग मैच 20 फरवरी को होगा और फाइनल 22 मार्च को खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है विथ 2 टाइटल्स, और करंट चैंपियन क्वेटा ग्लेडिएटर है, जो अपने खिताब को डिफेंड करने के लिए लड़ेगी। अगर आप लॉस में हैं, हार हार के परेशान हैं, तो घबराइए मत। इस पीएसएल बुकी की कह के लेंगे और आप कंट्रो को मालामाल करके देंगे। आप सभी को पता है हमारा काम 100% एक्यूरेसी के साथ आता है, और जो नए मेंबर जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि इस साल भी हमारा काम 100% एक्यूरेसी के साथ होगा, क्योंकि वी लाइक टू हिट द बुलसाई। इस पीएसएल टोटल 6 टीमें हैं जो कि कप के लिए लड़ेंगी। पेशावर जलमी, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोटा ग्लेडिएटर्स, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर। वेन्यू स्टेट्स में सबसे पहले गद्दाफी स्टेडियम के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पे 14 मैचेस खेले जाने वाले हैं। टोटल 3 मैचेस खेले गए हैं पीएसएल हिस्ट्री में, जहाँ पे फर्स्ट बैट करते हुए 3 मैच जीती है, सेकंड बैट करते हुए एक भी बार टीम नहीं जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 158 का है। हाईएस्ट टोटल 170 पे 7 है, जो कि पेशावर जलमी ने मारा था, और लोएस्ट टोटल है कोटा ग्लेडिएटर्स का 90 पे 10। दूसरा स्टेडियम है नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ पे 9 मैच खेले जाने वाले हैं। टोटल 9 मैच खेले भी गए हैं पीएसएल हिस्ट्री में, जहाँ पे फर्स्ट बैट करते हुए 5 बार टीम जीती है, सेकंड बैट करते हुए 4 बार। एवरेज फर्स्ट इनिंग 170 का है, हाईएस्ट स्कोर 238 पे 3 है और लोएस्ट स्कोर 140 पे 8 है। इस साल पीएसएल के सभी मैचेस पाकिस्तान में खेले जाने वाले हैं, जिसकी वजह से 2 न्यू स्टेडियम को ऐड किया गया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे 8 मैच खेले जाने वाले हैं, और मुल्तान सुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे 3 मैच खेले जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसके लिए आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया था। तो बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, विनिंग परसेंटेज। तो इस साल फर्स्ट बैट करते हुए टीम 60 से 65% मैच जीतेगी, और सेकंड बैट करते हुए 30 से 35%। स्मॉल ग्राउंड है, फ्लैट सरफेस है, जिसकी वजह से आपको 160 से 165 का एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा और हाई स्कोर चेज भी होगा। जिन पंटरों को ट्रेडिंग नहीं आता है, या फिर जो पंटर ऐसा सोचते हैं कि 50 पैसे टीम आ गई, वहां से टीम स्ट्रेट जीत जाएगी, तो वो पंटर पीएसएल में हाथ ना ही डाले तो बेटर रहेगा, कि नॉन फेवरेट टीम ज्यादा मैचेस जीतते हुए देखने को मिलेगी। इस पीएसएल 2020 हमारे तरफ से पंटर टीम रहेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिसको लगाइए और खाइए, दोनों ही रूप में आपको प्रॉफिट करवा के देगी। बुकी टीम रहेगी हमारे तरफ से मुल्तान सुल्तान, जिसको लगाओ खाओ, दोनों ही फेर में आपको लॉस ही होगा। एवरेज टीम रहेगी लाहौर कलंदर्स, जो अनएक्सपेक्टेड जीतेगी और अनएक्सपेक्टेड हारेगी भी। घोड़ा टीम रहेगी पेशावर जलमी, जो आपको कम पैसे में मैक्सिमम प्रॉफिट करवा के देगी। जब भी आप मैच में ट्रेडिंग या सेशन खेलते होगे, तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब भी आप जीतते हो तो बहुत कम पैसे जीतते हो, और जब आप हारते हो तो बहुत ज्यादा हार जाते हो। तो इस पीएसएल 2020 आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं, जिससे आप लॉस से बचोगे और प्रॉफिट में रहोगे। रूल नंबर 1, कोई भी लिमिट छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपको अपने लिमिट को मैनेज करना आना चाहिए। पंटर 2-4 मैच जीतते हैं, उसके बाद अपने लिमिट को डबल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस पीएसएल आपको 10-15 मैच के बाद ही अपनी लिमिट को डबल करना है। रूल नंबर 2, आपको पेशेंस रखना और लालच नहीं करना है इस पीएसएल। अगर आप 10 पैसे का लंगड़ा पकड़ रहे हैं, तो आपको वेट नहीं करना है कि अगली टीम 10 पैसा फेवरेट है। अगर 80-90 पैसे भी टीम फेवरेट आ जाती है, तो आपको वहां पे काट लेना, क्योंकि जब स्पॉट फिक्सिंग होगा पीएसएल में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा मैच कहाँ से घूमा। रूल नंबर 3, आपको सिंगल डायमेंशन प्लेयर नहीं बनना है, आपको ऑलराउंडर पंटर बनना है। 10 पैसे का सिर्फ लंगड़ा नहीं पकड़ना है, या फिर 50 पैसे आने पे पंटर फुल लिमिट से लगा देते हैं, सोचते हैं यहाँ से टीम तो जीती जाएगी, तो आपको ऐसा पंटर नहीं बनना है। आपको जरूरत पड़ने में 97 बोथ पे भी लगाना है, 50 पैसे नॉन फेवरेट टीम को ही पकड़ना है, और 5 का 25 वाला टीम पकड़ना है, क्योंकि हर टाइप का मैच ही आपको प्रॉफिट करवा के देता है। रूल नंबर 4, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल पीएसएल 2020 का, आपको हर मैच में ट्रेडिंग करना है, लॉस कट बुक सेट के साथ चलना है। रूल नंबर 5, आपको बेट प्लेस करते समय हर एक एस्पेक्ट को विजुअलाइज करना है। पिच रिपोर्ट क्या कर रहा है, वेदर कंडीशन क्या है, रेनी है, विंडी है, टीम फॉर्म क्या है। अगर कोई टीम लगातार थ्रू आउट द सीजन अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके जीतने के चांसेस 70 से 80% हो जाते हैं। टॉस एडवांटेज क्या कह रहा है, फर्स्ट बैट या सेकंड टाइम एडवांटेज है, प्लेयर रेशियो में क्या
देखने को मिल रहा है। हर एक प्लेयर को हर एक टीम से आपको कंपेयर करना है, उसके फॉर्म को कंपेयर करना है, तभी आप एक प्रोफेशनल पंटर की तरह पीएसएल 2020 में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रूल नंबर 6, आपको रेट को रीड करना होगा पीएसएल 2020 में। फॉर एग्जांपल अगर मैं देता हूं तो 60 में अगर 105 चाहिए और विकेट्स इन हैंड है 7 से 8 विकेट है, पर बॉलिंग टीम पे रेट आ रहा है 20 से 30 पैसा, तो समझ लो मैक्सिमम चांसेस है कि वो चेज नहीं होगा। और वही अगर 60 बॉल में 105 रन चाहिए और 40-50 पैसा रेट दिखा रहा है, विकेट है 4 से 5 हैंड में, तो आपको 80 से 90% चांस होता है कि वो मैच उड़ जाएगा और चेज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं घोड़ा मैचेस की, जिसको आप जैकपॉट या फिर फ्लाई मैचेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जैकपॉट मैचेस होता क्या है। अगर कोई टीम 10 पैसे या 20 पैसे फेवरेट आकर वहां से हार जाती है तो उसको घोड़ा या फिर जैकपॉट मैच बोलते हैं, या फिर कोई टीम 30 पैसे 40 पैसे आकर वहां से हार जाती है तो उसको मिनी जैकपॉट मैच कहते हैं। तो इसी टाइप से इस पीएसएल टोटल 9 से 10 जैकपॉट मैचेस होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ घोड़ा मैचेस की। तो पेशावर झलमी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच 12 पैसे का घोड़ा उड़ेगा। क्वेटा ग्लेडिएटर वर्सेस कराची किंग का मैच 8 पैसा का घोड़ा उड़ेगा। और मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर का मैच 15 पैसा का घोड़ा उड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं 7428525767।